उज्जैन के थाना माधव नगर क्षेत्र में आज यातायात थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी ने हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल एएसआई योगेश पांडे ने शराब पीकर जमकर हंगामा किया और यह हंगामा सड़क पर ही चलता रहा। इसके बाद पांडे को माधव नगर थाने लेकर आए, जहां पांडे ने थाने में भी पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की है। अमूमन आम शराबी को सड़कों पर घूमते और हंगामा करते हुए आपने जरूर देखा होगा, लेकिन आज उज्जैन के यातायात थाने में पदस्थ एएसआई योगेंद्र पांडे को भी देख लीजिए, जिसने शराब के नशे में पुलिस ऑफिसर मेस के सामने ही जमकर हंगामा किया। सड़क पर हंगामा होते देख थाना माधव नगर में खड़ी डायल 100 गाड़ी को भेजा गया, लेकिन इस पर भी योगेश पांडे नहीं माने और एक खड़ी कार में जाकर बैठ गए। इस पर माधव नगर थाना की पुलिस ने पांडे को जबरन गाड़ी से निकालकर डायल 100 गाड़ी में डाला और थाने लेकर गए। योगेश पांडे शराब के नशे में इतने धुत थे कि उन्होंने थाने पर भी जाकर हंगामा किया और अपने सहकर्मियों को गालियां दे डाली। एएसआई पांडे की माने तो उनकी पत्नी पिछले 4 महीने से वेंटिलेटर पर है और 61 साल की उम्र होने के बाद भी उन्हें प्रतिदिन ऑफिसर मेस के सामने पॉइंट ड्यूटी पर लगाया जाता है। इसी के चलते वो परेशानी में आकर शराब के आदि हो गए। हालांकि इस तरह के व्यवहार से आम पुलिसकर्मी की छवि खराब होती है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने यातायात एएसआई को इस हरकत के लिए निलंबित कर दिया है। उज्जैन से अजय निमा की वेंटिलेटर पे बेड पर यूरिन टॉयलेट वगैरह सब कुछ और मैं झेल रहा हूँ। आपकी कौन सी गाड़ी पकड़ी इनने? कैसे जब बोलूँ क्या बोलूँ, अब 4 महीने से मेरी वेंटिलेटर पे है, आईडी गाड़ी में पूरा निकला और मैं ट्रीटमेंट चला रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं। मेरा विभाग भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरा विभाग भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कल क्या पता क्या हुआ, कल का मुझे नहीं मालूम, कल क्या पता क्या हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।